बेरोजगारी का आलम तुम्हें क्या बताऊं दोस्तों, भिखारी बन गया हूं खुद की नजरों में नौकरी मांगते मांगते। अज साडे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस हैगा, ते अज उन्हां दा जिहड़ा जन्म दिवस युवा कांग्रेस वालों राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप के मनाया जा रहा। अज साडे लुधियाना यूथ कांग्रेस की समुची टीम इकट्ठी हुई है, इकट्ठी होकर बैठ के अज तुहाडे सामने जिहड़े साडे नाल युवा आए हैं, किसी ने एम बी ए की, किसी ने पी एच डी की, किसी ने वकालत की है, वो साडे नाल बैठ के अज बूट पालिश कर रहे हैं, साडे सामने पकौड़े तलन की तैयारी हो गई है, आलू प्याज बेच रहे हैं। अज साडे देश का जिहड़ा बेरोजगार युवा है, जिहड़ा पढ़िया लिखा युवा है, वो अज नौकरी मंगन दे लई दर दर भटक रहा है, लेकिन उन्हें रुजगार नहीं मिल रहा, वो करके आत्महत्या कर रहा है। सो शर्म होनी चाहिए है मोदी साहब ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस मौके बीजेपी दफ्तर के बाहर यूथ कांग्रेस वालों धरना लगाया गया। इस मौके उन्होंने बेरोजगारी और युवाओं नू नौकरी के मुद्दे को लेकर रोस जाहिर किया, इस नाल ही वक्रे ढंग उन्हों वालों प्रदर्शन किया गया। दस दिए कि यूथ वर्कर ने जिथे बूट पॉलिश और पकौड़े तल के रोस व्यक्त किया, उत्थे ही उन्होंने मोदी सरकार को यह जताया भी कि जो सरकार ने वादा किया सी वो हजे तक पूरा नहीं किया गया। इस नाल होर उन्होंने की कहा वो तुसी आप सुनो। बेरोजगारी का आलम तुम्हें क्या बताऊं दोस्तों, भिखारी बन गया हूं खुद की नज़रों में नौकरी मांगते मांगते। अज साडे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस हैगा, ते अज उन्हां दा जिहड़ा जन्म दिवस युवा कांग्रेस वालों राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप के मनाया जा रहा। अज साडे लुधियाना यूथ कांग्रेस की समुची टीम इकट्ठी हुई है, इकट्ठी होकर बैठ के अज तुहाडे सामने जिहड़े साडे नाल युवा आए हैं, किसी ने एम बी ए की, किसी ने पी एच डी की, किसी ने वकालत की है, सो वो साडे नाल बैठ के अज बूट पालिश कर रहे हैं, तुहाडे सामने पकौड़े तलन की तैयारी हो गई है, आलू प्याज बेच रहे हैं। सो शर्म होनी चाहिए है मोदी साहब ने। बीजेपी दफ्तर के बाहर तां कर रहे हैं कि जिहड़ी आवाज़ असी केंद्र तक पहुँचाउणा चाहुंदे हां, कि इन्हों जे शर्म होवे, जे इन्हां दे विच गैरत होवे बीजेपी वालियां दे विच, ते अपनियां गल्लां दसन कि जमीनी जमीनी पद्धर दे उत्ते साडे रोजगार कितना अपना जिहड़ा गुजारा कर रहे हैं। अज साडे देश दा जिहड़ा बेरोजगार युवा है, जिहड़ा पढ़िया लिखिया युवा है, वो अज नौकरी मंगन दे लई दर दर भटक रहा है, लेकिन उन्हें रुजगार नहीं मिल रहा, वो करके आत्महत्या कर रहा है। सो अज पी एच डी एक युवा ने की है, तो उन्होंने अज जिहड़ा पीएन दा जिहड़ी भर्ती की जाती, उहदे विच सब तो वध आवेदन पढ़े लिखे लोगों के होंगे है। सो अज इत्थे तक साडा देश का युवा पहुँच चुका है। सो नरेंद्र मोदी जी, जिन्नी देर तक तुसीं देश के लोगों की सुध बुध नहीं लाओगे, जिन्नी देर तक तुसीं महंगाई घट नहीं करोगे, जिन्नी देर तक तुसीं अपना कीता वादा पूरा नहीं करोगे, जिहड़ा तुसीं कहा सी सत्ता दे विच आउण तों पहलां कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देवांगे, वो झूठा वादा जुमला निकलिया। जे तुसीं नहीं दवोंगे युवाओं नूं, असी उन्हां दी आवाज़ बन के उन्हां दे हक दे विच इदां ही जमीन दे उत्ते अपना संघर्ष तेज करते रहांगे। अज मोदी जी का जन्मदिन है, ता ही असी अज दे दिन नैशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे दे नाल नाल मना रहे हैं, क्योंकि 2014 दे विच जदों बीजेपी की सरकार सत्ता दे विच आई सी, सारे देश नूं झूठे वादे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां बेरोजगार युवकों नूं देवांगे, 2 करोड़ नौकरियां देना दा दूर, हर साल लगातार होर ज़्यादा लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अज देश का युवा पढ़ लिख के भी अपने घर बेरोजगार बैठा है, हताश ते निराश है, और नशे वाल तुर रहा, गलत कामों वाल तुर रहा, वो पुछ नहीं ली जा रही, अज चीज़ा इन महंगा महंगी हो रही, घर का गुजारा चलाना भी मुश्किल हो गया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पढ़ लिख के युवा पकौड़े तले बूट पालशा करे, आलू प्याज बेचे, तो असं उ कर रहे हैं, अभी सारे पढ़े लिखे हैं, अभी सू नौकरियां रोजगार नहीं मिलता, अभी यह बूट पालशा करके अब 17 सितंबर अनएम्प्लॉयमेंट डे मना रहे हैं। वो वादा करके मुकरना उन्होंने फितरत है, जब तक साढ़े दम है अभी लगातार उन्होंने विरोध करते रहेंगे, उन्होंने जगान की कोशिश करते रहेंगे, कभी कभी ना कभी तो अपनी कुंभकर्णी नींद चो जागेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लुधियाना टाइम्स।